पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में पहली बार गरीब मरीजों के लिए दांतों का अस्पताल का शुभारंभ किया गया। इस दांतों के अस्पताल में बहुत कम दामों पर गरीब मरीजों का इलाज किया जाएगा। राधा कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा ये दांतों के अस्पताल का शुभारंभ किया गया, जिसमें दांतों का ना आना, दांतों में खून आना, बदबू आना, पायरिया आदि बीमारियों का सफल इलाज इस अस्पताल में किया जाएगा। अस्पताल सुबह 8 बजे से 5 बजे तक खुलेगा। इसी कड़ी में जब हमने किशन कुमार अग्रवाल से बात की, तब उन्होंने बताया कि यह अस्पताल गरीबों के लिए खोला गया है और उन्हें कोई दांतों की समस्या न हो उसका पूर्ण इलाज किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ गरीबों की मदद करना है और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना है, और सभी से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर दांतों के अस्पताल में अपना इलाज कराएं। ये गरीब मरीजों के लिए सिर्फ दांत का छोटा सा अस्पताल खोला है, जिससे हमारे देहात के लोगों को और जो पिछड़े लोग हैं उन लोगों को बहुत ही फायदा होगा। इसमें शुल्क सिर्फ ना के बराबर है और सारी सुविधाएं हैं, दांत का दोबारा लगना, दांत का निकलना, नसों में खून आना या दांतों से संबंधित कोई भी बीमारी है उसको दूर किया जाता है। ये राधा कृष्ण सेवा संस्थान एक जगह है, यहाँ भगवान की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं और यहाँ बहुत से आपको पेड़ मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ, और इस अस्पताल में गरीबों के लिए सारी सुविधाएं हैं। छोटा सा अस्पताल है, दांत का दर्द मामूली होता है लेकिन तकलीफ बहुत देता है, इसको देखते हुए हम लोगों ने ये चालू करा है। मेरा निवेदन है जनता से कि वो आएँ और इसका लाभ उठाएँ। मेरी पूरी कोशिश है कि अगर मैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता हूँ तो उसको मेरा भगवान खुश होता है, भगवान खुश होता है, मैं भी खुश होता हूँ। इसलिए मेरा उन लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के वो आएँ, दर्शन करें और दांत से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो